व्हाट्सअप गाइज, मूवी किस चैनल पर आएगी ये बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आसान कर दिया गया है। मैं मूवी को रिव्यू करूँगा सिंपल तरीके से। तो जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो नरेशन अजय देवगन का है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा नरेशन किया है अजय देवगन ने। और ट्रेलर की यह सीन मुझे इतनी अच्छी लगी कि जब वो फाइट करते हैं, गोली चलाते या फिर मारते, तो उसको म्यूज़िक के साथ इतना अच्छा दिखाया गया है कि बस बहुत मज़ा आता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है दोस्तों कि CAA का क्या रिकॉर्ड है। और कैटरीना की एंट्री मुझे ऐसे लगी कि मानो वो अपने पुराने कैरेक्टर से निकली नहीं है, बबीता कुमारी जीरो वाली और मैडम सर भारत वाली, वो कैरेक्टर के बाहर ही नहीं निकली। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ 10 सालों के बाद 30 मार खान के बाद अब एक साथ आए हैं, और 30 मार खान की तरह इस मूवी में भी वो शोकेस की तरह ही लग रही है। ऑर्गेनाइजेशन लश्कर के स्लीपर सेल्स के बारे में जैसे बताया गया, उससे एक्साइटमेंट पैदा होती है। और मैंने विकिपीडिया पे देखा नहीं कि किसने किसका रोल प्ले किया है, इसलिए मैं कहूँगा कि धमाल वाला मानो आदि मानो कुछ बता रहा है। और देखो, ये ऊर्जा नागरे वापस आ गया। आपको पता है ना, हाउसफुल 3 का ऊर्जा नागरे जॉकी श्रॉफ फिर से आ गया। कल को ही मैंने भागम भाग देखी थी। 30 मार खान जिसे कहता है कि तुमने बहुत कुछ गलत किया है, मुझे तो लगता है कि वो उसकी मूवीज़ के रिकॉर्ड बता रहा है। अक्षय कुमार की वही बात, वो किसी मूवी में अपनी बहन को दाव पे लगाता है और इसमें अपनी बेटी को, मतलब उसने बेटी बहन एक कर दी। कमीना नहीं खिलजी, और वो खिलजी है, और वो पुलिस नहीं, वो पद्मावती कह के आ रहा है। जस्ट जोकिंग नॉट। और अक्षय कुमार तो मेक इन इंडिया का प्रमोशन ही करने लग गया है, अब क्या कहे इस बात को। तो देखिए दोस्तों, ट्रेलर में जो अजय देवगन की एंट्री दिखाई गई है उसे देखकर कुछ नहीं लगता, क्योंकि जब हम मूवी देख रहे होते तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग जगह पर पहुँच जाता है। तो तब सिंघम की जब एंट्री होती है तब मज़ा आता है, यानी ट्रेलर में नहीं, मूवी में देखने पर ही हमको मज़ा आएगा। सिम्बा यहाँ पर डबल मीनिंग बात कर रहा है, मुझे तो लगता है कि इनको मस्ती के 4th इंस्टॉलमेंट में काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है, सिंघम और सिम्बा क्या नौकर है क्या, जो गोली चला के आ रहे हैं, और 30 मार खान और वो कैटरीना कैफ पार्क में चल रहे जैसे चल रहे हैं, यह क्या बात हुई। अजय देवगन यानी कि सिंघम मिसाइल को कितनी अच्छी तरीके से वो उसको मिस कर देता है, बहुत अच्छा लगा। ये जो अक्षय कुमार यानी 30 मार खान जिसको बता रहा है, मुझे लगता है उसको उसे बताना चाहिए जिसका उसने इंटरव्यू लिया था। तो दोस्तों, ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो आप सिर्फ लाइक करके बता सकते हो, सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। मुझे पता है इतने देर तक किसी ने भी वीडियो नहीं देखा, तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आपको ही थैंक यू मुझे कहना चाहिए। ये हुई ना बात।